किसी भी तरीके से शादी हो जाए घेरदार करके, होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों 2009 में शादी कर दी गई। पिताजी पे मेरे 3.5 बीघा जमीन है, 6.5 बीघा जमीन मेरे दादाजी के नाम पे है, और दादाजी अभी जिंदा है तो वो जमीन अभी बटी नहीं है, तो हमको हमारे पिताजी को नहीं मिली तो हमें कैसे मिल जाती। तो दोस्तों वही 3.5 बीघा जमीन हम करा करते थे, और जमीन जो हमारे गांव के ज्यादा जमीन वाले लोग थे उनकी हम अटाई बटाई कर लिया करते थे। इस तरीके से अपना जीवन कट रहा था। और जब मेरी शादी हुई तो शादी हो जाने के बाद में खर्चे बढ़े, और दोस्तों जब खर्चे बढ़े तो उन खर्चों को चलाने के लिए मैं अपने गांव के लोगों के साथ में प्रदेश में जाना शुरू कर दिया। कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी पानीपत, कभी महाराष्ट्र, कभी मुंबई, कभी मध्य प्रदेश, इन जगहों पर मैंने मजदूरी करी है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जीवन कट रहा था। उसी बीच इस आशा परिवार के बिजनेस प्लान की जानकारी लेकर के मेरे परिवार के अंदर एक ऐसे शख्स का आना हुआ जिनके लिए आज मैं भगवान से भी बढ़कर मानता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से एक सहयोग चाहूंगा कि आज मुझे यहाँ पर अपना परिचय देने का अवसर मिला है, अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला एक ऐसे व्यक्ति को जो कि जमीन का कीड़ा था उसे हीरो बना दिया उन्होंने। तो मेरे बिजनेस गुरु आस्था परिवार से न्यूट्री महासचिव मिस्टर हरिचंद महाराज जी के सम्मान में एक बार उन्होंने ही सास्ता परिवार की मुझे प्लान की जानकारी दी। और जब प्लान की जानकारी दी तो जिस तरीके से आप सभी लोगों को ये प्लान अच्छा लगा होगा वैसे ही मुझे भी ये प्लान की जानकारी अच्छी लगी। लेकिन वही पर बात आ जाती है कि पैसा नहीं है। जब भी हम प्लान सुनते हैं या सुनाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा साहब जिस तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं मैं भी कमाना चाहता हूँ, आप जिस तरीके से आपकी पहचान है मैं भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा है मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब फसल उठ जाएगी तब हम इस संस्था परिवार को ज्वाइन करेंगे। तब मेरे गुरु ने कहा चलिए कोई बात नहीं है परमेश्वरी, 7,000 रुपए की बात है इसको हम अलग हटा देते हैं, लेकिन एक बात बताइए क्या जीवन में आपके कभी 7,000 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इमरजेंसी में। मैंने कहा समझा नहीं सर। बोले ऊपर वाला ना करे, कल कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाए जिसमें आपको 7,000 नहीं 70,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे। बोले कोई हानि बीमारी परेशानी आ जाए, भगवान ना करे आप अपनी जो साइकिल है शादी में मिली हुई उस साइकिल से आप बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए और उसी बीच कोई बच्चा आपकी साइकिल के आगे आ जाता है तो ऐसे में उसको चोट लग जाती है, तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि फसल हो जाएगी तब हम इसका इलाज कराएंगे। मैंने कहा नहीं। बोले क्या कहोगे। तो मैंने कहा साहब आपका जो पेट काट काट करके जो मार्केट में दो चार हमारे घर में है सबसे पहले हम उनको बेचेंगे, और अगर उससे पूरी नहीं पड़ती है तो मेरे पिताजी ने मेहनत मजदूरी करके जो 3.5 बीघा जमीन खरीदी है कुछ ना कुछ उसमें से बेचेंगे। तो बोले परमेश्वरी आप थोड़े वक्त को टालने के लिए इस तरीके से पैसे की व्यवस्था कर सकते हो तो क्या अच्छा वक्त लाने के लिए 7,000 रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते। दोस्तों बात मेरे समझ में आई और तुरंत उसी साइकिल से मैंने आंवला जाकर के गाँव में ज्यादातर देखे होंगे महिलाएं कड़े पहने होती है चांदी के कड़े खलुआ बोलते हैं जिनको, भाई मम्मी खलुआ पहनी हुई थी वो खलुआ और मम्मी की मोटी वाली जेबरी और एक मंगलसूत्र था जिसको आंवले के अंदर मैंने गिरवी डाला। दोस्तों इस सास्ता परिवार के अंदर मैंने शुरुआत में 3 रजिस्ट्रेशन लेकर के शुरुआत करी, एक अपने नाम से, एक मम्मी के नाम से, एक पिताजी के नाम से। 3 रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में जब वो पैसा मैंने अपने सीनियर साहब को दे दिया वो जाकर के प्रोडक्ट और रसीद लेकर के आए, और लाने के बाद में दोस्तों इस सफर की मेरी शुरुआत हुई। और उस समय में मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ साइकिल थी जो मुझे शादी में मिली थी। जब मैंने उस साइकिल से चलना शुरू किया तो लोगों ने मेरी मजाके बनाना शुरू कर दी, बोले बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बहुत बुद्धिजीवी, बहुत माइंडेड, बहुत दिमागदार, बहुत पढ़े लिखे और घूमे फिरे लोगों का काम है। तो मैंने अपने गुरु को बताया, मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, लोग मजाके बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। तो दोस्तों जब मैंने चलना शुरू किया चलते चलते इस सास्ता परिवार से मैं 4.5 महीने में सिल्वर स्टार बना, और जब मैं सिल्वर स्टार बना मेरे नाम से 1 लाख का चेक आया बनकर के, तो मैंने पहली मोटरसाइकिल खरीदी। वहां तक मैंने साइकिल से काम किया था, पहली मोटरसाइकिल खरीदी TVS स्पोर्ट, और उस मोटरसाइकिल से मैंने चलना शुरू कर दिया। और चलते चलते दोस्तों लोग फिर भी मजाक बनाते थे, कहते थे देखो जवान है हट्टा कट्टा है हीरो बन के मोटरसाइकिल से घूमता है और इसके पिताजी साइकिल से घूम जाते हैं बाजार वगैरह। लेकिन दोस्तों उस समय पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था, ना मेरे खाते के अंदर इतना पैसा था जो पिताजी को भी एक मोटरसाइकिल लेकर के
न दे पाता। दोस्तों चलते चलते को भी सपना आस्था परिवार ने मेरा पूरा किया। जब मैं इस आस्था परिवार से गोल्डन स्टार बना, मेरे नाम से 2 लाख का चेक बन करके आया और उस 2 लाख रुपए से मैंने दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी जिसका बल 125 cc, वो पिताजी को दे दी। फिर उस मोटरसाइकिल से मैंने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते दोस्तों लोगों ने मजाक के बनाना फिर भी बंद नहीं की। मैं आपको बता दूं, लोग अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ करोगे तब भी कहेंगे और कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे। तो आप सभी लोग मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं नहीं जानता था उससे पहले ये बात। तो दोस्तों चलते चलते इस आस्था परिवार से आप मजाक आप किस चीज की बनाते थे, कार करवा रही है तुम्हारी। अच्छा, जिस घर के अंदर कभी मोटरसाइकिल ना हो, जिस घर में गरीबी के गड्ढे कभी भर ना पाए हमारी पीढ़ियां मुझे कहीं मेहनत करते करते, क्या उस घर में कार लाना मजाक है। चलते चलते इस आस्था परिवार से मैं डायमंड स्टार बना 15 फरवरी 2020 के लिए। और मेरे नाम से जब कंपनी ने 6 लाख रुपए का चेक बना करके दिया, तब मैंने 4 व्हीलर कार खरीदी जो 2020 में मारुति सुजुकी ने एस्प्रेसो लॉन्च करी थी वेगनार की टक्कर पर। वो कार में लेकर के आया एस्प्रेसो टॉप मॉडल 5,85,000 रुपए की कार लाया। और जैसे कि यहाँ पर बताया राजेंद्र भाई ने हमारे कि 20 किलो लड्डू लेकर के गया, तो दोस्तों मैं भी उन मजाक वालों के लिए 20 किलो ही लड्डू लेकर के गया, लेकिन राजेंद्र भाई तो मोतीचूर के लड्डू लेकर के गया था, लेकिन दोस्तों उन लड्डुओं को खाने वाला कोई नहीं था। वो लड्डू मैंने अपने गांव की गमाडेप के पास में रोड है उस रोड पे खड़े होकर के वो लड्डू को मैंने बांटा। और दोस्तों जिस घर में कभी मोटरसाइकिल ना हो, क्या उस घर में कोई कार चलाना जानता होगा, नहीं जानता होगा। कभी हमने भैया क्या करा था, हल पकड़ा था भैंसों वाला बद्दों वाला और डालम लड़िया आती थी, पर जानते क्या थे कार चलेगी कैसे, कभी कार का हैंडल नहीं पकड़ा। तो दोस्तों चलते चलते वो कार मेरी 10 महीने में खत्म हो गई, सीखने नहीं, सीखते सीखते टूट गई। और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया 27 दिसंबर 2020, जो उस दिन के लिए मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो कार बिल्कुल नष्ट हो गई, इंजन फट गया उसका। दोस्तों जब गाड़ी खत्म हो गई तो वही लोग जो मजाक बनाते थे वो फिर से कहने लगे अब बढ़िया रहे, और तो जो बटोर करके गाड़ी ले ली अब देखा कि गाड़ी कैसी देगा ये। लेकिन दोस्तों विश्वास करना, ये ऐसे परिवार का वो भी मजबूत बिजनेस प्लान है कि आपने शायद ये कल्पना ना करी होगी अपने जीवन में कि हम इस आस्था बिजनेस प्लान से क्या कर सकते हैं। और दोस्तों उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, पता है आप सभी लोगों को, पिछले वर्ष लॉकडाउन चल रहा था। जब मेरी कार खत्म हुई, कार उठा करके ले गए एजेंसी वाले, मैं 2.5 महीने तक घर से बाहर ना निकला मजाकों के चक्कर में। और जब मैं घर से बाहर ना निकला, अब मेरे दिमाग के अंदर एक बात चल रही थी, कार कैसे लूंगा। लोग कहते हैं बीमे का पैसा मिलता है, हाँ मिलता है, लेकिन 100 में 70 रुपया, 100 रुपए में 70 मिलता है, 5,85,000 में 4 लाख मिला था मुझे। दोस्तों उस 2.5 महीने में इस आशा परिवार ने घर में बैठने का सोने का 2,54,000 रुपया दिया, और जिसमें से मैंने 1,54,000 रुपया डाल करके 5,54,000 रुपए की दूसरी कार फिर मंगाई, और वो भी मैं लेने नहीं गया, होम डिलीवरी मंगवाई, घर पर बुक करी, गूगल पे से रोज 50,000 भेज करके वो कार को मैंने ऑनलाइन अपने घर पे मंगवाया। जब होम डिलीवरी वो कार मेरे दरवाजे पे आई 31 मार्च के लिए, वो कार तो पहले खरीद चुका था मैं फरवरी में, लेकिन पिताजी ने बोला बेटे पहली होली है इसकी, अभी कार को रहने दो, 31 मार्च के लिए, 27 मार्च की होली थी, 31 मार्च को वो कार घर पे आई। और आने के बाद में मैं घर में पड़ा रहता था बेड पे। जब वो कार आई और उन्होंने कहा, उतरे उनमें से दो लोग, बोले भैया परमेश्वरी सर का घर कहाँ है, बोले जी ये कौन है सर वाले, बोले ये गाड़ी किसकी है, बोले उन्हीं की है साहब। अब जो लोग पूछ रहे थे ना उनसे, तुमने घर तो बता दिया, बताने के बाद सटक गए वहां से, बोले अरे जो तो फिर ले आओ कार। तो दोस्तों वो कार लाया, तभी मैंने लड्डू बांटे, अभी मैं उसी कार से चलता हूँ। और इस आस्था परिवार से अब तक मैं 62 महीने में 29 लाख रुपए ले चुका हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई शक है तो 29 हफ्ते के बाद में अपनी इनकम 4 तरीके से दिखाता हूँ, चेक की फोटोकॉपी, बैंक की पासबुक और सरकार को जो TDS जाता है वो, और क्या नाम है रसीद, रिसीविंग रसीद जो बैंक मैनेजर देता है, मैं 4 तरीके से इनकम शो करता हूँ, वो सभी आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, एक हाई स्कूल फेल वाले व्यक्ति की इनकम पूछना चाहेंगे आप लोग, जानना चाहेंगे 62 महीने में इस आशा परिवार से अभी मैं कितनी इनकम ले रहा हूँ, जानना चाहेगा हाई स्कूल फेल वाले के लिए। अच्छा 15 फरवरी 2020 से लेकर के 15 फरवरी 2021 तक महीने कितने होते हैं, 12, जिसमें लॉकडाउन रहा, यस या नो? और उस लॉकडाउन के अंदर दोस्तों बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री ने पैसा देना बंद कर दिया था, हाँ या ना, बड़ी से
उस बीच में आस्था परिवार ने मुझे 7,45,000 रुपए दिया, और उस 7,45,000 रुपए के लिए आप 12 महीने से बात करेंगे तो 62,083 रुपए प्रति महीने की कमाई आस्था परिवार से, और 4 महीने लॉकडाउन के निकाल दो घर वाले जिनमें आपके घर से बाहर न निकला तो वही इनकम 93,125 रुपए में बदल जाती है। और इस साल जो 2022 चल रहा है, लास्ट ईयर में आपको 2,00,000 रुपए महीने की इनकम दिखा हुआ, पूरे साल की इनकम 2,00,000 रुपए प्लस की इनकम दिखा हुआ, वो भी सरकार को इनकम टैक्स देने के बाद। अब तक मैं आस्था परिवार से 15 लाख का पैसा ले चुका हूँ, और इसी 15 फरवरी के लिए 31 मार्च के जनवरी के लिए मेरा फाइनल हो रहा है स्वर्ण बीएमएल का चेक 3.5 लाख रुपए का, और वो 15 फरवरी के लिए मेरे नाम से आ जाएगा। और दोस्तों मैंने कसम बना रखी है इस आस्था की कि इसी 2022 में ये परमेश्वरी जो गरीब परिवार से था अपने नाम के आगे करोड़पति लगा देगा। ये भरोसा है मुझे अपने ऊपर, विश्वास है मुझे अपने ऊपर, अपने काम पर, अपने बिजनेस ग्रुपों पर कि इस 2022 में आस्था परिवार की जो आखिरी लेवल का चेक है 1 करोड़ का, वो मैं ले लूंगा, हर हालत में ले लूंगा। तो दोस्तों इसमें मेरे परिवार से 12 रजिस्ट्रेशन है, मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा, फिर कभी आऊंगा तब अपने बारे में और आपके लिए बताऊंगा। बस दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंजिलें बड़ी चिट्ठी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, और वहां तूफान भी तो थम जाते हैं मेरे दोस्त, जहां आस्था परिवार के लीडरों की किस्ती अजीत पर होती है। भरोसा है ईश्वर पर, भरोसा है ईश्वर पर, यहाँ पर तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, भरोसा है ईश्वर पर, अल्लाह पर तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और भरोसा है ईश्वर अल्लाह के दिए हुए बाजियों पर तो ईश्वर अल्लाह भी वही लिखेगा जो आप लोग चाहोगे। जय आस्था परिवार के मान लो ऐसा भी जरूर बहुत बहुत धन्यवाद शोरदार तालियां। परमेश्वर जी हम भी जीती हैं, हमारे हौसले भी जीती हैं, हम भी जीती हैं, हमारे हौसले भी जीती हैं, देखते हैं कल क्या होता है, हमारे फैसले भी जीती हैं, हमारे फैसले भी जीती हैं। इसी कार्यक्रम के